तुमको मैंने अपना शक्ति से बनाया है, इसलिए आज के बाद तुम वही करेगा जो हम बोलेंगे। हाँ तो बताइए क्या करना है। चलो बताते हैं। साला सब्जी चोरी कर रहा था, बताओ चोरी क्यों कर रहा था? क्या बताएं क्रिस, मेरा शादी भी नहीं हुआ है और बीबी बोली जाके सब्जी लेके आओ। अच्छा बीबी का मैटर है? हाँ रुको रुको, ये लो सारा सब्जी ले लो, जाओ खुश रहो। साला शादी तो हुआ नहीं, फिर बीबी कहाँ से आ गई? अब दूसरा सब्जी खरीदना पड़ेगा। पाने चाचा पाने चाचा, आप इतने बूढ़े हो गए फिर भी इतना काम कर रहे हैं, आपका बेटा लोग कहाँ है? क्या करे बेटा, खेत है पूरा पड़ती और बेटा हॉस्पिटल में भर्ती, इसलिए हम हर जोत रहे हैं। चाचा टेंशन मत लीजिए, अब हम हल चलाते हैं, आप आराम कीजिए, आइए। ये देखिए चाचा आपका खेत रेडी हो गया है। शुक्रिया बेटा। अरे कोई बात नहीं, उठिए, अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप घर पे आराम कीजिए। अरे क्या करें बेटा, इस बार फसल अच्छा हुआ नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो टेंशन क्यों ले रहे चाचा, आपके पास स्मार्टफोन है? हाँ है। तो आप इसमें डाउनलोड कीजिए भारत एग्री एप्लीकेशन। भारत एग्री एप्लीकेशन, ये क्या है? भारत एग्री एप्लीकेशन किसानों के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सारे फसलों के बारे में दिया गया है कि कौन सी खाद डालनी है, कौन सी उर्वरक डालनी है, अगर फसल में कीड़ा लग जाए तो कौन सी दवा डालनी है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आए तो आप एक्सपर्ट से कॉल पर बात भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, और इसमें कृषि दुकान भी है जिसमें आप बीज दवा ये सब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से मैंने दुगुना मुनाफा कमाया है क्योंकि मैंने भारत एग्री एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और उसका सब्सक्रिप्शन भी लिया है। ये तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, मैं भी डाउनलोड करता हूँ। हाँ कीजिए। हाँ तो किसान भाइयों, आप लोग भी डाउनलोड करो भारत एग्री एप्लीकेशन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। भारत एग्री ऐप के साथ तरक्की या पक्की। ठीक है चाचा मैं चलता हूँ, आप अपने सेहत पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। बता तुमको क्या दिख रहा है? हाँ एक आदमी ऑटो लेके भागने जा रहा है। अब देखो क्या देख रहा है? एक काला आदमी चार आदमी को बहुत मार रहा है। तो चाचा अभी तक जिंदे हैं? तो तू क्या चाहता है मर जाए? नहीं नहीं मरिए मत। अरे सोने का चैन कहाँ से लाए? कल ही मेरा बेटा खरीद के लाया है, पूरे 1,00,000 रुपए का है। चाचा इतना महंगा चैन पहन के मत घूमिए, जमाना बहुत खराब है। जमाने के बारे में तो हमसे ज्यादा जानता है।
सोने का चैन। मारो साले को। लीजिए चाचा आपका चेन। चाचा इतना महंगा चेन पहन के मत घूमिए, जमाना बहुत खराब है। जमाने वाले तुम्हारे से ज्यादा जानता है, चल निकल यहाँ से। अरे साला भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। वो क्रिस है, मानव जाति का रक्षक, उसी को तुमको मारना है। क्या बात कर रहा यार, चार आदमी मिलकर उसको नहीं मार पा रहे, हम अकेले क्या उखाड़ेंगे? तुम भूल रहा है तुम्हारे अंदर शक्ति है, पावर है। हम कैसे विश्वास कर ले मेरे पास शक्ति है पावर है? अभी विश्वास हो जाएगा। बोल क्या यार, तू बच्चों जैसे ईटा उठा लेता है। ईटा फेंक, ईटा फेंक, अभी फेंकते हैं। देखा मेरे अंदर की शक्ति, ऐसा ही शक्ति तेरे अंदर भी है, लो संभालो। मेरे अंदर भी शक्ति है, देखा। चलो अब क्रिस को मारते हैं। चलो टेन टेन, ये लो बेबी, तुम्हारे लिए सब्जी लेके आया। तुमको भेजे तो सुबह सब्जी लाने के लिए और तुम अभी आ रहे हो, इतना देर से कहां मर गए थे? अरे वो कुछ लोग मुसीबत में था तो मैं उसका मदद कर रहा था। ओ चलो मेरा मदद करो, जाकर पोछा लगाओ। साला शादी करके फंस गए। ये लो चश्मा पहनो और देखो अभी क्रिस क्या कर रहा है। क्रिस तो अभी पोछा लगा रहा है। पोछा लगा रहा है, इसका मतलब वो शादीशुदा है। या जानू पोछा लगा लिए। अरे वाह, चलो जाके बर्तन धो। हम बर्तन धोएंगे, धोएंगे। क्रिस मानव जाति का रक्षक है, अगर क्रिस को यहाँ पे लाना है तो मानव जाति को ठेस पहुंचाना होगा। जाओ किसी आदमी को उठाक लेकर आओ। अभी लाते हैं। लगता है कोई मुसीबत में। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो उसे, दम है तो मुझे मारो। अबे साले पहले पैंट तो पहन के आ। अब बोल, देख क्या रहा है, जाओ मार साले को। साला क्रिस बहुत पावरफुल है,
उसको मारना बहुत मुश्किल है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सब ठीक है ना? बहुत मारा सालों ने, अब कोई नहीं मारेगा, हम आ गए ना, चलो मेरे साथ। क्रिस, आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो। आप सुसु करते हो? क्या बात कर रहे हो यार? आई एम क्रिस, मेरे अंदर सुपर पावर है, मैं ऐसा सुसु सु नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उड़ता हूँ और लोगों को बचाता हूँ। अच्छा। चलो अब तुम घर जाओ, आप तो सवाल पूछते रहते हैं खाली। What? अपना ध्यान रखना। अरे मैं सुसु नहीं कर रहा हूँ, वो चेन फंस गया था वही फ्री कर रहा हूँ। तुम अभी तक घर गए नहीं, चलो घर जाओ। साला बहुत जोर से पेशाब लग गया यार। अरे यार कितनी बार बोलो चेन फंस गया फ्री कर रहा हूँ, चलो घर जाओ। साला बार बार डिस्टर्ब करने आ जाता है। हाँ यहाँ कोई नहीं है। सवाल साला आराम से सुसु करेंगे। हाँ यहाँ कोई नहीं है। साला खाना बेटा क्या हो बेटा? बाबूजी खाना बाबूजी तो भूख लगा बाबूजी, खाना। बेटा क्या हुआ इसको? क्या बताए बेटा, 5 दिनों से हम लोग कुछ नहीं खाए, इसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और ये मर गया। मेरा बेटा। अच्छा छोटो कहाँ जा रहा है? ट्यूशन जा रहा है, चलो हम भी चलते हैं। यस, अब मुझे सब समझ में आ गया। क्या? इंसान अनाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसका मतलब क्रिस भी अनाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो कैसे? साला वो भी तो इंसान ही है। क्रिस आप यहाँ? मैं आप सबको कुछ बताने आया हूँ। हाँ तो बताइए। सब कोई कहता है कि पढ़ लिखकर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, सरकारी नौकरी करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पढ़ लिखकर किसान बनो, खेती करो, जबकि जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अनाज है और इसी के बारे में कोई बात नहीं करता। आज मेरे सामने गरीब बच्चा भूख से मर गया। पढ़ लिखकर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो सही है, लेकिन खेती भी करो, जब खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या? ठीक है सर, हम चलते हैं, आप पढ़ाइए। ये क्या हो रहा है? बेटर, एक प्लेट बिरयानी।
चचा दो समोसा। अरे ये क्या हो रहा है? जादू? जादू? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हम कुछ खा क्यों नहीं पा रहे? अच्छा तो ये लोग मेरा खाना खा रहा है। थैंक यू जादू, अब तुम जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, क्रिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। वो बता रहे हैं कि खेती करना हमारे लिए कितना जरूरी है। क्रिस के सामने एक बच्चा भूख से मर गया और वो कुछ नहीं कर पाए। आप खुद सुनिए क्रिस क्या बोल रहे हैं। और इसी के बारे में कोई बात नहीं करता। आज मेरे सामने एक गरीब बच्चा भूख से मर गया। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सही है, लेकिन खेती भी करो। जब खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या? लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पढ़ लिख कर किसान बनो, खेती करो, जबकि जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अनाज है। और इसी के बारे में कोई बात नहीं करता। आज मेरे सामने एक गरीब बच्चा भूख से मर गया। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सही है, लेकिन खेती भी करो। जब खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या? बताइए आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? तो गाइस इस बार हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आप सबको सबसे ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताइए।